और इस बीच एक और बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई। बड़ी खबर आपको बता दें कि बंगाल में ममता सरकार तुष्टीकरण की राजनीति में जुटी हुई है। कोलकाता की मस्जिद में ममता की मंत्री ने बड़ा ऐलान किया है, दोबारा सरकार बनने पर इमाम भत्ता बढ़ेगा, ये ऐलान किया गया है। ममता सरकार के मंत्री फिराद हकीम ने लालच के जरिए, अब देखिए किस तरीके से लोगों को प्रलोभन के जरिए अपनी तरफ खींचने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी ने आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है इस पर। दीदी का तुष्टीकरण वाला सियासी एजेंडा, मौलाना इमाम पर ममता मेहरबान। ममता बनर्जी ने शुरू किए हैं हमारे मजलिफा, वो सिर्फ शुरुआत। सेकुलर गैंग का मौलानाओं को चुनावी भत्ता। बंगाल चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राज्य में आचार संहिता लागू कर दी गई है, लेकिन लगता है कि ममता के मंत्री फिरहाद हकीम खुद को कानून से ऊपर समझते हैं। तभी तो चुनावी भाषण में जमकर आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जो ममता बनर्जी कल तक बंगाल में 8 चरणों में होने वाले चुनाव के ऐलान के बाद चुनाव आयोग से लेकर मोदी सरकार पर सवाल खड़े कर रही थी, अब उनकी बोलती बंद है। ममता बनर्जी ने शुरू किए हमारे वो सिर्फ शुरुआत। ये वॉक को ठीक ठाक करके मेरे हाथ मेरे सिर में बहुत सारे प्रोग्राम है, जो ये वॉक को कैसे ठीक किया जाए, कैसे इसकी आमदनी बढ़ा जाए, कैसे यहाँ पर जो इमाम भाता जो हम लोग बंगला में कहते हैं उसे कैसे इजाफा किया जाए। चुनाव आते ही ममता सरकार एक बार फिर सेकुलर का चोला ओढ़ कर मौलानाओं और इमामों को भत्ता बांट रही है, और ममता के फिरहाद हकीम जैसे मंत्री खुले मंच से वाहवाही लूट रहे हैं। ये ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की राजनीति है। कहने को तो ममता सरकार खुद को सेकुलर कहती है, लेकिन चुनाव आते ही इसी तरह मौलाना और इमामों पर ममता की बारिश करना शुरू कर देती है। वहीं इस पूरे मामले में अब बीजेपी बेहद आक्रामक है। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने सोशल मीडिया में ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, फिरहाद हकीम ने इमामों का वजीफा बढ़ाने का वादा किया है, ये आचार संहिता का उल्लंघन है। इलेक्शन कमीशन को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और उचित कार्रवाई करनी चाहिए। ममता दीदी के मंत्री फिरहाद हकीम का यह बयान इस बात को दर्शाता है कि ममता सरकार एक बार फिर एक खास समुदाय को अपने पक्ष में करने के लिए वोट बैंक की राजनीति में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जावेद शमीम को हटाया गया है। बंगाल के नए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जगमोहन होंगे। कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला किया है। हाल ही में ममता सरकार ने जावेद को एडीजी बनाया था। और आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बंगाल दौरा है। सुबह कालीघाट और दक्षिणेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद बंगाल में परिवर्तन रैली में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। परिवर्तन रैली धूला गोरी मोड़ से हावड़ा साउथ तक जाएगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान कई जगह जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो अब पश्चिम बंगाल के रण में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज चुनावी रैली को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। परिवर्तन रैली जिसका आगाज बीजेपी की तरफ से किया गया है, और इसी रैली के दम पर परिवर्तन का सपना देखा जा रहा है। और पश्चिम बंगाल में सियासी घमासान और तेज हो चुका है। बंगाल में आज लेफ्ट कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन दिखाई देगा। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में विशाल रैली होनी है। रैली में लाखों की संख्या में भीड़ जुटने का दावा किया गया है। बता दें कि रैली में दोनों पार्टियों के कई बड़े नेता भी शामिल होंगे। तो सियासी घमासान और ज्यादा तेज हो चुका है पश्चिम बंगाल में। आज बंगाल में लेफ्ट कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन दिखाई देगा, जिसमें बड़े बड़े चेहरे शिरकत करते हुए नजर आएंगे। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में ये विशाल रैली रखी गई। तो रैली में दोनों पार्टियों के कई बड़े नेता शामिल होंगे। जिस तरीके से सियासी माहौल पश्चिम बंगाल में बना हुआ है, उसके बाद ताबड़तोड़ दौरे अलग अलग पार्टियों के नेताओं के लगातार जारी है, और आज लेफ्ट और कांग्रेस का ये शक्ति प्रदर्शन। और पीएम मोदी
मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम करेंगे। आपको बता दें कि मन की बात कार्यक्रम के 74वें एडिशन को संबोधित करेंगे आज पीएम मोदी। प्रधानमंत्री कोरोना टीकाकरण का भी जिक्र कर सकते हैं। पीएम मोदी बेरोजगारी के मुद्दे पर अपनी बात रख सकते हैं। पिछले दिन ये मुद्दा सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड किया था और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेरोजगारी के मसले पर, इसके अलावा टीकाकरण का भी जिक्र आज मन की बात कार्यक्रम में कर सकते हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पीएसएलवी C-51 आज 19 सैटेलाइट्स को लेकर उड़ान भरेगा। एक नैनो सैटेलाइट पर पीएम मोदी की तस्वीर भी उकेरी गई है। पीएम मोदी के साथ भगवत गीता की भी एक कॉपी जाएगी। सुबह 10:24 पर पीएसएलवी C-51 लॉन्च होगा। आपको बता दें कि पीएसएलवी का ये अब तक का 53वां मिशन है। तो इसरो आज एक और इतिहास रचने जा रहा है।